हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका एचएसएससी जेई का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को उसके रिज़ल्ट का वेट है। तो अभी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ के बताया, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनदर वन ईयर टू द 265 जूनियर इंजीनियर्स एंगेज अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट सेकेंड अगेंस्ट रेगुलर सेंक्शन पोस्ट। आगे मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने दोस्तों दिया हुआ है कि गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड ऑफ 265 जूनियर इंजीनियर अप टू 30/6/2020। कहने का मतलब है जो जूनियर इंजीनियर के 265 एम्प्लॉय थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए थे, इसका एक्सटेंशन पहले 31/12 था, तो इन्होंने वो बढ़ाकर 30/6/2020 तक कर दिया है। और आगे लिखा हुआ है टिल द रेगुलर कैंडिडेट्स ज्वाइन, मतलब जब तक कि रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक इनका जो पीरियड है वो 30/6/2020 कर दिया। तो हो सकता है कि इस कारण से आप लोगों का डिले हो रहा है रिजल्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 30/6 तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों, इससे पहले एक जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट 2/2015, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया, तो पहले इसका रिजल्ट आएगा क्योंकि ये बात चल रही है, पहले इसका रिजल्ट रिलीज होगा। अभी रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ये नया नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पर जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो।